सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। सो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं प्ले गैलेक्टिक एसएमपी पर। आज हम जाएंगे नेदर पर, काम है बहुत सारा नेदर पर, क्योंकि नेदर क्वार्ट्ज़ चाहिए और शॉप भी बनाना है, तो बहुत सारे चीज़ें चाहिए और ग्लोस्टोन तो चाहिए बहुत सारे। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, वीडियो पे लाइक ज़रूर करना, और आज का लाइक एम रखते हैं कितने रखे, 10 लाइक्स का एम रखते हैं आज। सो गाइस, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और जितना हो सके उतना शेयर करो डिस्कॉर्ड पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ भी करना है शेयर कर दो। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। Yeah, boy. सो गाइस, पता नहीं रिलम के साथ क्या हो रहा है। रिलम में ज्वाइन होने के लिए भाई 2 से 3 बार ट्राई करना पड़ता है, उसके बाद रिलम में जाके ज्वाइन होता है। और लैग तो होता ही है, लेकिन वो लैग सह लेंगे। सो गाइस, शॉप बनाने के लिए बहुत सारे आइटम्स की ज़रूरत है, और उसमें आता है ग्लोस्टोन और क्वार्ट्ज़। तो भाई नेदर तो जाना पड़ेगा, और एआई बोल रहा है कि नेदर जाएंगे एक साथ। सो गाइस, उसके साथ ही जाएंगे। सो गाइस, चलते हैं। और ये रहा हमारा नेदर का कॉस्ट्यूम, मतलब गोल्डन आर्मर पहन के जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर एक यूनिफॉर्म है, उसके बिना आप जाओगे तो आपकी ज़ोरदार पिटाई होगी। सो जल्दी से जल्दी चेस्ट पर रखते सारे के सारे कचड़ा, और जल्दी से जल्दी ये आर्मर पहन के निकल लेते हैं नेदर की तरफ। सो गाइस, देख सकते हो अभी हम आ चुके हैं नेदर पर, और ये भाई साहब मैंने कुछ भी करा ही नहीं, ये मेरे पीछे लग गया। सो यहाँ से भागना पड़ेगा, और सामने से एक और भाई, इधर से भागो, दूसरी तरफ चलते हैं यहाँ से। और एआई तो दूसरी तरफ चला गया है, तो उसके साथ साथ चलते हैं। और ये नया बायोम है क्रिम्सन फॉरेस्ट नाम का, तो यहाँ से निकलते हैं भाई। ये पीछे ही पड़ गया भाई, क्या ही बोलूँ अब। It was at this moment that he knew he fucked up. लो भाई, उसका तो डैमेज हो गया, उसके पास नेदरिट आर्मर है। और भाई ये बो भाई, ओके मैं अब समझ आया, मेरे बो पे एरो ही नहीं है तो बो कैसे चलेगा। तो एनीवेज, यहाँ से निकलते दूसरी तरफ भाग के चलते जल्दी से जल्दी, और यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई, क्या ही सीन। सो गाइस, ऊपर देख सकते हो, ऊपर है ग्लोस्टोन, तो उसको माइन करेंगे। भाई यार, ये हॉगलिन के साउंड्स आते क्यों नहीं, मैं हेडफोन पहन के बैठा क्यों नहीं आते साउंड इनके।
सो एनीवेज जो भी हो चुका है और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ माइन करने के लिए, तो इनसे पहले स्टोन पिकैक्स से एक माइन करके देखते हैं ये ड्रॉप होता है या नहीं, मुझे ठीक से पता नहीं स्टोन से ओके गिरता है। चलो स्टोन पिकैक्स से ही माइन करते हैं। अगर आप नेदर पे आते हो तो घास से आप नहीं बच सकते, यस, क्योंकि भाई ये घास इतने गंदे हैं, भाई क्या ही बोलूँ अब। नेदर पर कोई काम ठीक से नहीं करने देते ये लोग, इनको क्या तकलीफ है मुझे आज तक समझ नहीं है। तो जो भी हो फास्ट फॉरवर्ड कर दिए यहाँ पर और थोड़े बहुत क्वार्ट्ज भी माइन कर लिए, तो यहाँ से निकलते जल्दी से जल्दी। और ये नेदर पोर्टल कहाँ से कहाँ निकाल दिया, मैं सॉप एरिया से यहाँ पर एंटर किया था और ये डेथ गेमिंग का साथ हाउस है, डेथ गेमिंग का हाउस से निकल रहा हूँ, भाई क्या ही नशे चढ़े हैं इनको। तो एनीवेज आज का तो काम हो चुका है, थोड़े बहुत हमें रिसोर्स मिल चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो आएगा शॉप के ऊपर, तो शॉप बनाएंगे, बिल्ड बनाएंगे और वहाँ पर रेडस्टोन से बहुत सारा काम है, तो वो भी मैं दिखाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून करना। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी रहेगा, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पर। एंड ज़रूर से डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना मेरा और प्ले गैलेक्टिक SMP का ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हो और डिस्कॉर्ड पर भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।